पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे फिफ्टी परसेंट चलता है आ, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90 परसेंट इंडियन मार्केट से आती है सो हम हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले थी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद कर सकता है ये भाई खुद कह रहा है जो अभी इतनी धाड़ा मार रहा था ना शेर की तरह उस जमाने में एक बकरी के बच्चे की तरह मिमिया रहा था इनके दो तरीके हैं पैसा मांगने के या तो आपसे कहेंगे भाई तो कर... आपने छोटा सा क्लिप देखा रमीज राजा का क्लिप देखा उसके साथ ही मेजर गौरव वर्या का क्लिप देखा मेजर गौरव वर्या क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं है ये बात मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ भारत में ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है मेजर को साहब को भी बहुत नॉलेज है हालांकि मेजर साहब बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ पर रिसर्च करने के बाद बोलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है आगे वही वो बात कर रहे हैं और उन्होंने अपने वे में बताया है कि रमीज राजा को किस तरीके से उन्होंने उसकी असली औकात दिखाई है मैटर आपको पता है भारत ने अगले साल जो पाकिस्तान में एशिया कप होना उसको वहाँ पर मतलब पाकिस्तान में जाने को लेकर मना किया है उसके रिप्लाई में मेजर साहब बता रहे हैं पाकिस्तान का जो रिप्लाई है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले पूरा वीडियो देखते हैं प्लीज भी तो मांगा था पैसा हम नया पैसा क्यों नया आपको तो कहते हैं अच्छा ठीक है जो पिछली बार आपने दिया था वो माफ ये दो ही तरीके हैं पाकिस्तान के या तो दे दो या जो पिछली बार दिया था वो माफ और बहुत ही अच्छा होगा तो दोबारा दे दो तिबारा दे दो चौबारा दे दो दूसरी चीज ये हो गई कि पाकिस्तान ने फिर धमकी दे दी हमने कल ही डिस्कस करा था ना कि भारत ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे ऐसा भारत ने बोला था रमीज राजा को गुस्सा आ गया जो पीसीबी का चेयरमैन है उसने बोला ठीक है जेब हमारी फटी भिखारी हम दुनिया भर से हम पैसे मांगते हैं वो सब ठीक है लेकिन यार अभी अभी तो बोला था जो बाइडन ने कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है भारत को इस बात की तो इज्जत करनी चाहिए कि हम बहुत खतरनाक है पल्ले हमारे कुछ नहीं बस का हमारे कुछ नहीं लेकिन हम खतरनाक पूरे हैं इस बात का ध्यान रखना तो रमीज राजा ने बयान दाग दिया कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे जो इंडिया होस्ट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50 परसेंट चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90 परसेंट इंडियन मार्केट से आती है सो so हम हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले थी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये ये क्रिकेट बोर्ड जो है है भी हो सकता अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद कर सकता है ये भाई खुद कह रहा है जो अभी इतनी धाड़ा मार रहा था ना शेर की तरह उस जमाने में एक बकरी के बच्चे की तरह मिमी आ रहा था छोटा सा मेमना होता ना मेमना की तरह आ रहा था हमारा पैसा इंडिया से आता है सही बात है पाकिस्तानी जो है वो फ्री में क्रिकेट देखेंगे पैसा वैसा थोड़ा ना खर्च करते हैं नहीं पैसे वहां पर तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता देखिए बात यह है कि क्या एशिया कप पहले बाहर हो चुका है हां हो चुका है अबू धाबी में यू में हो चुका है हर जगह मतलब अलग अलग मुख्तु जगह उनके दुबई उनके मैचेस होते हैं तो अभी बाहर क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान ने बयान दाग दिया कि साहब अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है ना अगले साल वर्ल्ड कप की तो मत आओ यार हम तो चाहते नहीं तुम आओ तुम तो वैसे भी बिना वीजा के आते हो कश्मीर में मारे जाते हो वहां पे यहां पे अगर वीजा के साथ भी आओगे वी डोंट वांट यू देयर आप प्लीज गो। प्लीज गो प्लीज गो इनको क्रिकेट पैड के लिए क्रिकेट ग्लव्स के लिए बैट बॉल के लिए इनके पास पैसे नहीं है और तेवर देखो इनके ऐसे बिल्कुल जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी के सही होंगे तेवर बड़े सारे इनके लेकिन पैसा इनके पास जीरो है तो ये तो हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट का भी चल रहा है और जय शाह बोला कि सब मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानी रिएक्ट कैसे करते हैं यार मुझे इन, इनका लॉजिक समझ में नहीं आया ये लॉजिक पे चलता ही नहीं है अजीब है जय शाह ने हमें इसलिए मना करा है क्योंकि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का वो बेटा है और भारतीय जनता पार्टी और आर ने मिलकर साजिश करी है और बोला है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे इसमें साजिश क्या है मैं तो भाजपा और आर का नहीं हूं मैं खुद पाकिस्तान नहीं जाऊंगा तुम बुलाओगे दस बार तुम तरले करोगे पैर छो मैं तब नहीं जाऊंगा अनलेस अनलोर्स कि यहां से हमारे भारत की सरकार में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है कि यू you नो know, कभी बोलते हैं कि ठीक है हम लोग इंडिया से कुछ लोग भेजना चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ कहती है तब इसके बारे में सोचा जा सकता है वरना आप पैर पढ़ लोगे मेरे में तब नहीं आऊंगा ये सोच रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपने बेटे जय शाह को बोला है कि तुम मत भेजना और ये साजिश हो गई साहब पाकिस्तान कौन आना चाहता है कौन आना चाहता है नो बडी वॉन्ट्स टू कम और जैशा ने वही बात बोली हम नहीं जाना चाहते आतंकी हो वहां पर कुछ नहीं पता है कुछ नहीं पता किसको कौन वहां पर निपटा दे यार वहां पर रोहित शर्मा जाएगा विराट कोहली जाएगा ये हमारे देश के आ, मतलब लेजेंड्स हैं यार ये तो हमारे बहुत जिसको कहते हैं कि हीरे हैं हमारे मुल्क के ये हमारे असली में आज की तारीख में हमारे कोहनू हैं वहां पे कुछ जान माल का कुछ पता ही नहीं है वहां पे पाकिस्तानियों का नहीं पता ये तो वहां के मौलवी देखेंगे ग्यारह ग्यारह काफिर जवान तो जबान ला टपकी क्या को खा जाए तो बंदे नहीं हो लड्डू तो ये एक और है तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं एक एक छोटा सा वीडियो है मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा और क्या हो रहा है दहशतगर्दों को आप जिनको आप दहशत गर्द कहते हैं उनको आप खत्म कर सके लेकिन जो नफरत के बीज आप लोग बो रहे हैं उस नफरत को दुनिया की कोई एटमी ताकत भी खत्म नहीं कर सकी और यह नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से आपके मुल्क की बुनियादें भी हिल रही हैं अगर इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करें अगर वो खुद इसको दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम नहीं पहले भी वो थे अब भी युवा हुआ, हुआ, हुआ है जेनोसाइड लिटरली बलुचतान में जेनोसाइड हो रहा है नस्ल कुशी की जा रही है हमारी वो नस्ल कुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई थी ये मैं नहीं कह रहा आपके रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है ये मैं नहीं कह रहा कुछ दिन पहले अमेरिकन एवान में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान के, के हुक्मरानों ने पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया है आज फिर वो तारीख दोहरा रहे हैं आप लोग बुलुस्तान में हम बंगालियों की तरह कितने ताकतवर नहीं हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं हमारी तादाद से ज्यादा जो है हम आपने हमारे नौजवानों के कब्रिस्तान खड़े कर दिए हैं और कहते हैं कि जब भी हम से बात करते हैं कहते हैं ये लोग तो जी अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से आते हैं यहां पे कार्रवाई करके चले जाते हैं फिर अफगानिस्तान भाई एक जमाने ज़ में अफगानिस्तान तो आपके हाथ में नहीं था अब तो माशाल्लाह अफगानिस्तान आपके बकौल आपकी कोशिशों से जो वो आपका मुल्क का पांचवा सूबा बन गया है और वहां पर आपके बगैर चाहते हुए कोई चिड़िया पड़ तक नहीं लगा सकती तो कैसे अभी भी वो लोग अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं वो एक की तादाद नहीं है हजारों की तादाद है अगर वो अफगानिस्तान में है तो उनके लिए माजर कैंप बनाए गए होंगे क्या उनके लिए कोई वहां पर कोई माइजर कैंप बनाया गया है जिसमें वो अभी तक हैं लेकिन हैं अफगानिस्तान में लाशें यहां से बरामद हो रही है साहब इनकी शक्ल सूरत आप लगता है ये बलुस्तान की पहाड़ों पे नहीं जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर जो है फोर्टी से फिफ्टी तक जाके पहुंचता है लगता है सियाचिन या कश्मीर की पहाड़ों में इन्होंने जंग लड़ी होगी जिनकी रंगत जो है वो सब्ज होने की बजाय और गोरी चिप्टी हो गई उन क्या तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में एक न्यूज चल रही है कि भारत में जो 2023 में सितंबर अक्टूबर में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है जो क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट है सबसे ज्यादा देखने जाने देखे जाने वाला इवेंट है उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान का बोल रहा है मैं आपको बता दूं ऐसी ही कुछ नौटंकी पाकिस्तान में 2016 का जो फिफ्टी ओवर का वर्ल्ड कप होना था उससे पहले की थी आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज़ ने जीता था इंडिया सेमीफाइनल में हारा था और पाकिस्तान इंडिया का मैच होता पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था ठीक है तो ऐसा ही कुछ सीन वो क्रिएट कर चुके मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि एशिया कप जो मतलब अभी जो होना है फिफ्टी ओवर का ही होगा नेक्स्ट ईयर क्योंकि जैसा वर्ल्ड कप होता है वैसे ही एशिया कप होता है तो फिफ्टी ओवर वाले एशिया कप में मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान और गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान फिफ्टी ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएगा इंडिया उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जैसा कि रमीज राजा ने बोला कि दुनिया की क्रिकेट चलती ही भारत की दम पे है और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि भारत को पाकिस्तान जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिकेट खेलने में पाकिस्तान में बट रीज़न क्या है भारत क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान भारत में टेररिजम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर भारत में जो कश्मीर में जहर फैलाते हैं ना वो बड़े बड़े क्रिकेटर भी हैं कश्मीर प्रीमियर लीग करवा रहा है पाकिस्तान ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं भारत में जो कश्मीर में जिनका ऑलरेडी जिहाद और ये सब से दिमाग भरा हुआ है उसको और ज़्यादा वो आग लगाती है तो ये चीज़ें पाकिस्तान नहीं करता बंद पाकिस्तान भारत में टेररिस्ट भेजता है पाकिस्तान भारत में आतंकवादी फैलाता है पाकिस्तान भारत में इस्लाम के नाम पर जहर फैलाता है भड़काता है इस तरीके की चीज़ें करता है कि यहाँ के लोग भड़कें और ऐसी चीज़ें करता है तो इस वजह से मेरे हिसाब से पाकिस्तान को नहीं मौका मिलना चाहिए कि वो डिज़र्व करे टीम इंडिया वहाँ जाए नहीं डिज़र्व करती रही बात उनके आने की तुम आओ ना आओ भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए यह पॉलिसी होनी चाहिए भारत की आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज